नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों REE के यूनिट 4 के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि बायोगैस के जनरेशन के लिए क्या क्या फैक्टर हम लोगों को ध्यान में रखने हैं, या तो फिर क्या क्या फैक्टर बायोगैस जनरेशन के लिए अफेक्टेड होते हैं। टोटल बेसिकली 11 फैक्टर्स है जो कि हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। ये सवाल GTU में 7 मार्क्स में आप लोगों को पूछा जा सकता है, या तो फिर 4 मार्क्स में कोई भी 6 फैक्टर या 7 फैक्टर आप लोगों को समझाने के लिए पूछा जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं हमारे नंबर 1 फैक्टर के साथ, pH वैल्यू और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अभी pH वैल्यू क्यों? pH वैल्यू इसीलिए क्योंकि pH का मीनिंग ये होता है कि pH हम लोग जो भी वेस्टेज का यूज़ करने वाले हैं फॉर बायोगैस जनरेशन, दैट्स डिपेंड फॉर द pH वैल्यू के उसकी वैल्यू कितनी है। आपको पता होगा, आप लोग साइंस सब्जेक्ट में भी ये पढ़ चुके हो अपने स्कूल टाइमिंग में, कि अगर pH की वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल कहलाता है, लेकिन अगर pH की वैल्यू 7 से बिलो है तो वो कहलाता है एसिडिक, और अगर आप लोगों की pH की वैल्यू 7 और 14 के बीच में है तो वो कहलाता है अल्कलाइन। हम लोग जो भी मटीरियल का मतलब कि वेस्टेज का यूज़ करने वाले हैं, हमारे लिए स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 6.8 to 7.8 pH के अराउंड। मतलब जो भी गैस फॉर्मेशन हम लोगों को करना है, अगर आप लोगों के वेस्टेज के pH की वैल्यू 6.8 to 7.8 के बीच में रहेगी तो ये हमारे लिए ऑप्टिमम वैल्यू रहेगा। 6.2 एसिडिक कंडीशन वाला हो जाएगा, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे बैक्टीरिया जो मिथेन गैस का फॉर्मेशन करने में हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट, जब एक्सेसिव लोड कंडीशन आएगी, मतलब कि जब आप लोगों को ये समझ लोगे कि मैक्सिमम अमाउंट में गैस का प्रोडक्शन करना है, मिथेन गैस का प्रोडक्शन करना है, उस समय हम लोगों को एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया को बहुत ही ज़्यादा एक्टिव करना पड़ेगा विथ कंपेयर टू मिथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हम लोगों को हमारी pH जो है वो कम करनी पड़ेगी। मैंने पहले ही बोला pH की वैल्यू अगर कम है तो इसका मतलब ये होगा कि वो एसिडिक हो रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप pH की वैल्यू कम कर रहे हो, मतलब कि आपको एसिडिक वैल्यू ज़्यादा करनी है। तो क्या हो जाएगा कि मिथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया कम हो जाएंगे, लेकिन एसिडिक फॉर्मिंग बैक्टीरिया की वैल्यू आप लोगों को बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इवन ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि हमारे गैस फॉर्मेशन को बंद कर देना है, तो pH की जो वैल्यू उसको थोड़ा कंट्रोल भी करना है। अब जब pH की वैल्यू को कंट्रोल करना है तो हम लोग क्या करते हैं, तो अल्कली मटेरियल को ऐड कर देंगे, जो कि आप लोगों की pH की वैल्यू को 6.6 तक लेकर के आएगा, जो आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट की या तो रिक्वायर्ड वैल्यू तक, pH की रिक्वायर्ड वैल्यू तक हो जाएगा, कि जिससे आप लोग मीथेन गैस का फॉर्मेशन भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर। अभी ये एनारोबिक फर्मेंटेशन प्रोसेस है, तो एनारोबिक फर्मेंटेशन प्रोसेस आप लोग पहले भी स्कूल में भी पढ़ चुके होंगे, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है तो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो डाइजेशन प्रोसेस जो होता है, मतलब कि वेस्टेज जब हमारा डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है, स्लरी बन रहा है, उस समय टेम्परेचर की वैल्यू जाती है एटलीस्ट 35 to 38, जिसको हम लोग बोल सकते हो कि ये मेसोफिलिक रेंज में है। अगर आप लोगों के टेम्परेचर की रेंज 40 to 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जा रही है तो आप लोगों के फर्मेंटेशन की प्रोसेस स्लो हो जाएगी। अब उसको जब इंक्रीज करना है तो फिर आप लोगों को 55 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक भी आप लोगों को बढ़ाना पड़ता है टेम्परेचर की वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलते हैं थर्मोफिलिक रेंज। नॉर्मल वैल्यू है जनरली, तो क्या होता है कि 40 to 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आप लोगों को, अरे सॉरी, 30 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम लोगों को गैस की जनरेशन स्टार्ट मिल जाती है। हमारे इंडिया के अंदर जो भी हम लोग फ्लोटिंग ड्रम टाइप का यूज़ करते हैं, मैक्सिमम जो खादी विलेज का है बायोगैस प्लांट डिज़ाइन किया हुआ, तो उसमें आप लोगों को 35-40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक की वैल्यू में मिल सकता है मीथेन गैस का फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज लोडिंग रेट। तो लोडिंग रेट किसके हिसाब से होगा, तो इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ वेट ऑफ वॉलेटाइल सॉलिड फैट टू ए डाइजेस्टर पर डे। डाइजेस्टर के अंदर कितना सॉलिड वेस्ट हम लोग एंटर करा रहे, दैट वैल्यू इज द लोडिंग रेट। अभी वॉलेटाइल सॉलिड्स तो वो पोर्शन है जो टोटल सॉलिड के ऑर्गेनिक कंटेंट का वैल्यू बताएगा आपको, टोटल सॉलिड में ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है, ठीक है, उसकी वैल्यू। जब आप लोगों को हायर फीडिंग है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉलिड वेस्ट एंटर कराना है, एट दैट टाइम रिटेंशन विल बी लेस एंड अनडाइजेस्टेड स्लरी मे कम आउट। तो चांसेस ये हो गए कि जो भी सॉलिड वेस्ट हम लोगों ने यूज़ किया उसका 100%
जरूरी नहीं है कि 100% आप लोगों को डाइजेशन मिले, उसमें से थोड़ा बहुत पोर्शन इतना तो रहेगा ही जो अनडाइजेस्टेड होगा, जो कि वेस्टेज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर बोला है रिटेंशन विल बी लेस, मतलब कि आप लोगों के मिथेन गैस का फॉर्मेशन कम हो सकता है और अनडाइजेस्टेड स्लरी आप लोगों को आउटलेट में मिल सकती है। डिजायर रिटेंशन पीरियड चाहिए तो जनरली 40 दिनों का होता है, 40 डेज का होता है, ठीक है। लेकिन इसको कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है, इट इज इक्वल टू 1/40 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द डाइजेस्टर। ये डिजाइन की वैल्यू है कि हम लोगों को डाइजेस्टर की वैल्यू इस तरह से डिजाइन करनी है कि 40 दिनों के अंदर अंदर मान लो हम लोगों को हमारा गैस का फॉर्मेशन मिलने वाला, तो उसके रिक्वायर्ड में 1/40 के रिक्वायर्ड में हम लोग पर डे हमारे सॉलिड वेस्ट को एंटर कराएंगे हमारे सिस्टम के अंदर, मतलब के बायोगैस प्लांट के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ 40 kg की कैपेसिटी है, तो पहले दिन हम लोग 1 kg, फिर दूसरे दिन 2 kg, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा कि जैसे 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 डे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपका पुराना जो वेस्ट होगा सॉलिड वेस्ट, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन, तो जनरली 7-9% का सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन होता है, मतलब कि 7-9 पार्ट हो रहा है टोटल सॉलिड के 100 पार्ट में से, ठीक है, जो कि आइडियल कंडीशन कंसिडर किया जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट इट इज डिलीटेड फर्दर और इफ इट इज कॉन्सेंट्रेटेड द फर्मेंटेशन इज समवट रिटार्डेड, एंड देयरफॉर इट इज रिकमेंडेड दैट 4 पार्ट्स ऑफ द कैटल डंग एंड मिक्सड विद द 5 पार्ट्स ऑफ वाटर। अगर आप लोगों के पास में मान लो आइडियल कंडीशन नहीं मिल रही है तो इसको थोड़ा मिक्सचर किया जाता है, डिल्यूट मतलब मिक्स करना। किस चीज़ों को मिक्स करना है, तो 4 पार्ट जो होगा वो कैटल डंग, मतलब के जो गोबर ओवर वगैरह होता है वो, और 5 पार्ट पानी का। इसको प्रॉपर मिक्स करो, इसका अच्छा कॉन्सेंट्रेशन बनाओ और फिर हमारे सिस्टम के अंदर ऐड कर दो, तब आपको कॉन्सेंट्रेशन 8% का अराउंड मिल सकता है। वट अबाउट प्रेशर, द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेशर। मिनिमम प्रेशर जो जनरेट होगा सिस्टम के अंदर दैट शुड बी 6-10 cm ऑफ वाटर कॉलम, मतलब कि 1-2 bar, दैट इज कंसिडर एज द आइडियल कंडीशन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट। प्लांट के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं, और ये वैल्यू 40-50 cm ऑफ वाटर कॉलम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आप लोगों की वैल्यू नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अगर एक्सेस प्रेशर हो रहा है, मतलब ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, तो आपकी गैस के स्लरी में से रिलीज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, या तो फिर मैसनरी वर्क जो हमारे, मतलब कि हमारा मैसनरी कंस्ट्रक्शन जो है वहाँ से, वहाँ पर जो छोटे छोटे अगर हॉल है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर वाले, ठीक है, तो वहाँ से भी आपके गैस के लीकेज होने के चांसेस है। इवन जो हम लोग टैंक में से टैप के थ्रू या वाल के थ्रू जब हम लोग मिथेन गैस को रिक्वायर्ड एरिया तक या रिक्वायर्ड प्लेस तक ले जाते हैं, तो उस समय भी चांसेस है कि जहाँ पर बैंड आ रहा है वहाँ पर भी लीकेज होने के चांसेस रहते हैं। तो बेटर यही है कि आप लोगों को प्रेशर को मेंटेन करके रखना है आपके सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इन बायोमास। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि न्यूट्रिशन अगर अच्छा नहीं तो मिथेन गैस का फर्मेंटेशन जल्दी नहीं होगा, आप लोगों को वैल्यू जल्दी नहीं मिलेगी, अच्छी नहीं मिलेगी। तो ये हमारे लिए ध्यान में रखने वाली बात है। और कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो, तो उसको बोला जाता है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया नीड्स कार्बन एंड नाइट्रोजन फॉर इट्स सर्वाइवल। अगर आप लोगों को मिथेन गैस का प्रॉपर मतलब के फर्मेंटेशन करना है, तो उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो कार्बन के थ्रू अच्छी तरह से मिल सकते हैं, उसका सर्वाइवल होता है नाइट्रोजन के थ्रू। तो इसका जो रेशियो किया जाता है कि कार्बन का जो कंजम्पशन है वो नाइट्रोजन की कंपेयर में 30-35 times मोर है। मतलब कि मान लो आप लोगों ने 30 ग्राम अगर कार्बन लिया है, तो 1 ग्राम आप लोगों को नाइट्रोजन लेना है। फॉर एग्जाम्पल एक मास के रिस्पेक्ट में आपको एक वैल्यू बता रहा हूँ, ठीक है, तो उसको कार्बन नाइट्रोजन रेशियो बोलते हैं, जो कि स्टैंडर्ड रेशियो आप कंसिडर कर सकते हो 30:1। जनरली प्रॉपर बैलेंस के लिए कार्बन नाइट्रोजन रेशियो को मेंटेन किया जाता है। किस तरह से, या तो आप सॉडस्ट को ऐड करोगे, या तो फिर हाई कार्बन रेशियो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को पोल्ट्री वेस्ट का भी यूज़ करना पड़ सकता है। और पोल्ट्री वेस्ट जो है उसका कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जो कम है, और सॉडस्ट जो है उसका कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ज़्यादा है। मतलब आप अगर सॉडस्ट का यूज़ करोगे तो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा, और पोल्ट्री वेस्ट का यूज़ करोगे तो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो आपको कम मिलेगा। मतलब बैलेंस करने के लिए आप इन दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हो। अगर कम है तो हम लोग सॉडस्ट को यूज़ करेंगे, और अगर ज़्यादा है तो उसको मेंटेन कम करने के लिए पोल्ट्री वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। और जो न्यूट्रिशंस बैक्टीरिया को चाहिए, जो कि डाइजेस्टर के अंदर होते हैं, मतलब कि अच्छा डाइजेशन सिस्टम आपका बना करके दे, तो उसके लिए हम लोग जो न्यूट्रिशंस का यूज़ करते हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फरस एंड सल्फर। जनरली नाइट्रोजन और फॉस्फरस जो होता है वो शॉर्ट सप्लाई में होता है, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हम लोग यूज़ करते हैं सल्फर का मैक्सिमम। और बेस्ट स्टिम्यूलेंट
इन दिस बिहाफ इज द एनिमल यूरिन। अगर आप एनिमल यूरिन का भी यूज करोगे तो भी बेस्ट है। नेक्स्ट रिटेंशन टाइम। रिटेंशन टाइम का मतलब ये होगा कि ऐसा ड्यूरेशन कि उस ड्यूरेशन में आप लोगों का स्लरी जो है वो प्लांट के अंदर रहेगा और वो बायोडाइजेशन सिस्टम को कंप्लीट प्रोसेस के साथ में फाइनल आउटलेट में आप लोगों को बायोगैस का फॉर्मेशन करके देगा। कितने दिन में, इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो कि कितने दिन में आप लोगों को बायोगैस मिलने वाला है, मीथेन का फॉर्मेशन मिलने वाला है, मीथेन गैस मिलने वाला है। तो जनरली इस तरह से होता है कि 70-80% कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम आप लोगों की बन सकती है वो एम्बिएंट टेम्परेचर कंडीशन पर। और इंडिया के अंदर हम लोग जो बायोगैस प्लांट का यूज़ करते हैं, मतलब कि हमने जो कल देखा था खादी विलेज की डिज़ाइन का फ्लोटिंग ड्रम टाइप, तो उसके जो रिटेंशन पीरियड होती है वो 30-40-50 डेज का अराउंड होती है। वो डिपेंड करता है रीजन के ऊपर, आप किस रीजन में आप बना रहे हो या किस रीजन में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसका एक टेबल है हमारे पास में डाइजेस्टर फीड का, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। एज यू कैन सी कि मान लो हमारे पास में रॉ मटेरियल में काउ और बफेलो डंग है तो उसको 50 डे लगेंगे बराबर रिटेंशन के लिए। पिक डंग है तो 20 डे, पोल्ट्री ड्रॉपिंग से तो 20 डे, नाइट सॉइल है तो 30 डे, राइस स्ट्रॉ है तो 33 और शुगर कैन टॉप से तो 43। इतने दिनों के अंदर अंदर हम हमारे रिक्वायर्ड रिटेंशन को अटेंड कर सकते हैं, मतलब कि फर्मेंटेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। पूरे चांसेस है कि हम लोग जो भी मीथेन गैस का फॉर्मेशन कर रहे हैं उसके टॉक्सिक होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जो भी वेस्टेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं पता नहीं उसके अंदर अगर अमोनिया हो या पेस्टिसाइड्स हो, डिटर्जेंट्स हो, हैवी मेटल्स हो सकता है, क्रोमियम है, निकल है, कॉपर है, जिंक है, ये सारे के सारे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। और ये सब्सटेंस टू बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइजेशन, जो कि हमारे लिए नुकसानकारक हो सकते हैं, मतलब कि हमारे लिए हजारडे साबित हो सकते हैं। इनकी प्रेजेंस जो होती है वो फर्मेंटेशन रेट को रिड्यूस कर देती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये ऑल्सो द डाइजेस्टेड स्लरी इफ अलाउड टू रिमेन इन डाइजेस्टर बियॉन्ड सर्टेन टाइम। अगर हम लोग स्लरी को डाइजेस्टेड स्लरी मतलब कि जिसमें से मीथेन गैस आप लोगों की निकल चुकी है, ठीक है, अभी जो फाइनल वेस्ट है उसका कुछ नहीं हो सकता, अगर वो अभी भी हमारे सिस्टम के अंदर है तो क्या हो सकता है, इट बिकम टॉक्सिक, फिर वो और भी ज़्यादा जहरी हो सकता है टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, वो और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ के रिस्पेक्ट में और भी जहरी हो सकता है, और भी ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट सीडिंग ऑफ बायोमास विद बैक्टीरिया। बायोमास को हम लोग बैक्टीरिया के साथ में अगर सीड करना मतलब ऐड करना तो किस तरह से, तो कैटल डंग कंटेंट बोथ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया। कैटल डंग ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर आप लोगों को एसिड फॉर्मिंग और मीथेन फॉर्मिंग दोनों बैक्टीरिया मिल सकते हैं। एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया मल्टीप्लाई फास्ट वाइल द मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया ग्रो स्लोली। जो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया होंगे वो फास्ट प्रोसेस से आप लोगों के ग्रो करेंगे और जो मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया है वो स्लोली ग्रो करते हैं। टू स्टार्ट एंड एक्सेलरेट फर्मेंटेशन, अगर हम लोगों को फर्मेंटेशन प्रोसेस को स्टार्ट करना है मतलब कि उसको एक्सेलरेट करना है तो जो डाइजेस्टिव स्लरी होगी उसके अंदर मीथेन और भी ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। तो उसके अंदर क्या किया जाता है कि जो भी फ्रेश स्लरी अब जब हम लोग यूज़ करने वाले मतलब कि फ्रेश स्लरी को जब हम लोग हमारी सिस्टम के अंदर ऐड करेंगे उसके साथ में हम लोग मीथेन फॉर्मेशन वाले बैक्टीरिया को ऐड कर देंगे, इसको बोलते हैं सीडिंग। और इसके वजह से क्या होगा कि हम लोगों को मीथेन फॉर्मेशन के मीथेन फॉर्मेशन ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूँ तो सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब इडली और डोसा हम लोगों को जब बनाना होता है तो हमको पता है कि भी जो चावल जिसमें से हम लोग मटेरियल तैयार करते हैं उसको सड़ाने के लिए या तो ईस्ट डालते हैं, ठीक है, तो वो जो ईस्ट डाल रहे हैं इसकी वजह से हमारा जो आटा होता है वो सड़ जाता है बराबर, और उसी की वजह से फिर हम लोग इडली और डोसे को अच्छी तरह से बना सकते। तो वो जो प्रोसेस हो गई कि हमारे आटे को हमको सड़ाना है, हमारे उस लिक्विड को हमको सड़ाना है, दैट प्रोसेस इज द सीडिंग प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट मिक्सिंग और स्टेयरिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ द डाइजेस्टर। अब डाइजेस्टर को आपको मिक्स करना है तो स्टेयरिंग करना है, स्टेयरिंग मतलब हिलाते रहना प्रॉपर मिक्सिंग के लिए। तो प्रॉपर मिक्सिंग करने के लिए आप लोगों को डाइजेस्टर के अंदर क्या करना पड़ता है तो प्रोवाइड्स इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द सबस्ट्रेट, मेंटेन यूनिफॉर्म टेम्परेचर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैक्टीरिया एंड वॉलेटाइल सॉलिड्स थ्रू आउट स्लरी। पूरे स्लरी के अंदर यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहना चाहिए, टेम्परेचर मतलब कि आपका यूनिक होना चाहिए। आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बैक्टीरिया का चाहे वो एसिड के लिए हो या तो फिर मीथेन फॉर्मेशन के लिए वो प्रॉपर होना चाहिए। और जो सॉलिड मटेरियल वॉलेटाइल सॉलिड मटेरियल का हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो थ्रू आउट द स्लरी यूनिफॉर्म होना चाहिए। इस तरह से आप लोगों को प्रॉपर मिक्सिंग करना है आपके डाइजेस्टर के अंदर।
इट ऑल्सो मिनिमाइजेज द स्लज फॉर्मेशन, ये स्लज फॉर्मेशन को भी मिनिमाइज करेगा एंड इट विल प्रिवेंट अ क्रस्ट और स्कम फॉर्मेशन, ये आप लोगों को क्रस्ट फॉर्मेशन से भी बचा करके रखेगा ऑन टॉप ऑफ इंटरफियर्स विद रिलीज ऑफ बायोगैस। मतलब जब गैस आपका रिलीज हो रहा है तो जो एक रेजिस्टिंग लेयर बनाने की जो कोशिश करेगा वो इसकी वजह से रुक जाएगा अगर प्रॉपर मिक्सिंग है तो। एंड द लास्ट पॉइंट इज डाइजेस्टर साइज एंड शेप। अब डाइजेस्टर साइज और शेप का मतलब ये हो गया कि डायमीटर जो हम लोग हमारे जो टैंक का डिसाइड करने वाले हैं डेट शुड बी इन रेशियो डायमीटर टू डेप्थ रेशियो, ठीक है, वो जनरली कंसिडर किया जाता है 0.66:1 फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो दोस्तों ये था हमारे लिए वेरियस फैक्टर के क्या क्या फैक्टर जनरली ध्यान में रखने पड़ते हैं। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।